सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फ्री 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 पर छा रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम रिश्तो.com के पेड मेंबर्स लाए छोकरे छोकरी वाला होटलन जा हजार रुपयन जा खर्चा बचाए असा जे फर्निश कॉन्फ्रेंस रूम में पाम एक बेसा मिली ए पेंजे बारन के रूबरू करा सकंदा वो भी फ्री रिफ्रेशमेंट सा गद रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार की तरफ से अब मेट्रो 5 का विस्तार करते हुए उल्लासनगर शहर तक बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। उल्लासनगर तक मेट्रो के विस्तार के सरकार के इस फैसलों को लेकर उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। आमदार कुमार एलानी लगातार प्रयास कर रहे थे कि मेट्रो 5 का विस्तार उल्लासनगर तक किया जाए, जिसे आखिरकार सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए आमदार कुमार एलानी ने बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उल्लासनगर में चुनावी सभा में मेट्रो को उल्लासनगर तक लाने का वादा किया था, जो अब बीजेपी शिवसेना की सरकार ने उल्लासनगर से किया वादा पूरा किया है। वहीं आमदार कुमार एलानी ने यह भी बताया कि मेट्रो की जो यहाँ स्टेशन बनेगी उसका नाम सिंधु नगर रखा जाएगा। आज बहुत ही खुशी की बात है जो पूरे उल्लासनगर के लिए, जो हमारे उल्लासनगर के लिए हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जब भी मेरा चुनाव था विधानसभा का, उस समय उन्होंने 2019 में गोल मैदान पे घोषणा की थी कि हमारे उल्लासनगर में जो विधानसभा के चुनाव थे, मैं कैंडिडेट था कि हमारा कैंडिडेट आमदार कुमार एलानी चुन के आएगा तो मैं इस उल्लासनगर को मेट्रो रेलवे दूंगा और उसमें जो 3-4 स्टेशन रहेगी उसमें एक स्टेशन का नाम मैं सिंधु नगर रखूंगा। वो घोषणा गोल मैदान में की थी, मुझे आज भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है जो उन्होंने घोषणा की थी। आज मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है कि मैंने 2-4 दिन पहले भी मैं सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब से मिला था, उन्होंने कहा था कि ये अधिवेशन में आपका जो आपकी मांग है हमारे उल्लासनगर को मेट्रो स्टेशन मिलनी चाहिए, वो आपकी मांग पूरी कर रहे हैं, पूरी शहरवासियों को खुशी होगी और वो मांग कल पूरी की गई जो हमने मेट्रो स्टेशन के लिए उल्लासनगर में कहा गया था। मैं हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ में हमारे आदरणीय कपिल पाटिल साहब, रविंद्र चौहान साहब, हमारे श्रीकांत शिंदे साहब खासदार, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सब लोग ने मुझे यहाँ उल्लासनगर में मेट्रो रेलवे आने के लिए मदद की है। और साथ साथ में मैं पूरे उल्लासनगर वासियों का जो दुआएं थी और जो मांग थी उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके सबके कहने पे आज उल्लासनगर में मेट्रो आ रही है। मुझे मीडिया के सामने ये बोलने में बहुत बेहद खुशी हो रही है कि उल्लासनगर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के साथ में और भी काफी सारे प्रोजेक्ट उल्लासनगर में जो 6 महीने के अंदर मिले हैं वो भी पास किए गए हैं। काफी काम जो विकास कार्य इस उल्लासनगर में पास किए गए हैं, चाहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 425 करोड़ दिए गए हैं, उसके अलावा रस्तों के लिए नियर अबाउट 200 करोड़ फंड्स दिए गए जो सीमेंट कांक्रीकरण के बनेंगे, वाटर सप्लाई के 126 करोड़ के लिए फंड्स दिए गए हैं, 46 करोड़ कारपोरेटर को निधि दी गई है, हर कारपोरेटर को 1-1 कोटि की निधि मिलेगी, उसके अलावा काफी सारे काम है। मेरे पास बड़ी लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी देता हूँ पूरी मीडिया में, करीबन 1200 करोड़ के आसपास में ये सब काम है, उसकी मेरे पास पूरी यादी है, मैं आपको सबको देता हूँ जो उल्लासनगर के लिए एक तो सौगात है। इसके अलावा और भी हमारा इस शहर के लिए अच्छे कार्यों के लिए हमारे कुछ एलिक्यू डाले हुए हैं, कुछ मांग की हुई है जो कि जल्द से जल्द पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने जो मेट्रो का जिक्र किया तो इसका विस्तार कैसे होगा?
देखिए मेट्रो का विस्तार ऐसे होगा, अभी तो ये मेट्रो सेंक्शन हुआ है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होंगे, इसके लिए पूरी सैटेलाइट के थ्रू इनका रास्ता रूट बनेगा। हमें भी इस उल्लासनगर में आने के लिए एज आमदार, मुझे मेरी ऐसी सजेशन होगी कि जिस तरीके से नागपुर में हाईवे के बीच में से आज वहां पे दो मंजिला बना हुआ है, एक पे मेट्रो रस्ते के सेंटर में एक फ्लोर पे मेट्रो जा रही है, दूसरे फ्लोर पे हाईवे जा रहा है, उसी प्रकार हमारे कल्याण अंबरनाथ रोड जैसा है, अभी मेट्रो जो आएगी खड़कपाड़ा से कल्याण से हमारे उल्लासनगर में आएगी, तो फिर भी कंसल्टेंट को शहर में जो उसको सुविधा सही लगेगी और प्लस नुकसान ना हो हम वैसे चाहेंगे और कोशिश करेंगे। आप मीडिया वालों को भी बिठा के एक ऐसा उल्लासनगर में नुकसान ना हो, शहरवासी के जो गणमान्य व्यक्ति है उनको भी बिठाएंगे, व्यापारियों को भी बिठाएंगे कि किस रूट से जाना चाहिए और जिसमें शहर का फायदा हो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।